आज सब डिवीजन हीरानगर में म्यूनिसिपल कमेटी के एक्स वाइस चेयरमैन भारती शर्मा ने जम्मू कश्मीर की जनता से एक अपील की कि 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया था जिसमें उन्होंने एक झटके में जम्मू कश्मीर से 370 धारा और 35A को ख़त्म करके जम्मू के लोगों से उनकी डोगरा पहचान को छीना गया था, जिसको लेकर आज जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी से काफ़ी दुखी है और जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया गया। संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज, हीरानगर, जम्मू। आज अस बड़े दुख कन्नै इत्थै मुजाहरा कराने आं। जदों दी 370 तोड़ी है साढ़े लोकें गी अनइंप्लायमेंट ते अराजकता दे सिवाए गौरमेंट ने कुछ नहीं दिता। अनइंप्लायमेंट की गल करने आं, जदों 370 तोड़ी ते इन्हें इंप्लायमेंट जिहड़ी एक्सचेंज है उत्थै लोकें दियां बच्चे दियां लैणा लाइतियां कि अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ तो तुहानू सारे की नौकरियां देंगे। मैं खुद अपनी वाइफ कन्नै भी उत्थै गेदा, उत्थै मैं जिहड़े बच्चे आ रहे उंदे हालात दिखी मैं बड़ा परेशान होया। अज दिन तक उन्हें बच्चे की कोई नौकरी नहीं दी, सिर्फ खज्जल खराबी की। थोड़े दिन पहले इन्हें सैल्फ हैल्प ग्रुप एक फारूक साहब के टाइम के बने दा, जिहड़े इंजीनियर मुड़े ओवरेज होई गए जां जिहड़े नौकरी गौरमेंट नहीं दे सकती उनका सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाइए उन्हें गी एक ठेकेदारी का काम दिता, जिहड़ा बड़ा अच्छा काम चला रहा। अज दी गौरमेंट ने 15 दिन पहले वो आर्डर खत्म कर लिया ते 15,000 बच्चा जिहड़ा मुड़ा इंजीनियर हा, सिविल इंजीनियर कीती दी, मकैनिकल इंजीनियर कीती दी, उन्हें गी अनइंप्लायमेंट करी दित्ता इन्हें। उंदे कन्नै उंदे मुंशी भी है जां होर भी लोग काम करदे। मेरा कहने का भाव है कि घट कोला घट भी लख बंदा इन्हें बेरोजगार करीता ते नौकरी कुसै भी नहीं दिती। हाँ, इन्हें एक काम जरूर किया, लॉकडाउन के बीच हस्पिटलें की OPD नहीं खोली लेकिन ठेके खोली थे। ठेके मते जरूरी है इंदे वास्ते। साढ़े मोदी और गुजरात दे ने ते गुजरात के लोगों की एक बड़ी अच्छी गल है कि वह हर रुट्टी विच खंड पाइए खाते हैं या गुड़ पाइए खाते हैं ते ए मिठी मार जिहड़ी है ना ए मोदी साहब ते अमित शाह साढ़े हीरानगर दे जां जम्मू कश्मीर दे लोकें गी मिठी मार दिया देना है। और दुख दी गल इह है कि क्या J&K दे विच एक भी पढ़े लिखे दा इंसान है नहीं जिहड़ा गवर्नर दी पोस्ट उपर आए। जिन्नी भी वड्डी वड्डी पोस्ट हैं सारे इनको पूछना मैं चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो 70 साल आए जो आप बात कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा, हम ये पूछना चाहते हैं आपने तो 7 सालों में देश को लूट दिया, आपने लोगों पे बोझ पैदा कर दिया। आज हमें दुख होता है जब हम अपने नौजवान बच्चों को यहाँ लाइन में खड़े होकर देख, आपने स्टेट से बैठ को खत्म किया। आप गोमन साहब की बात करते हैं वो मेरे वकील साहब ने सबसे कह दी है इस बात को, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये लोगों के साथ अत्याचार है, ये लोग मेरे नौजवान भाइयों के साथ है। आज हमें लोगों को समझना होगा, ये जो झूठा प्रचार करते हैं इनकी बात से हमें आगाह रहना होगा। ये बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को सब सुना दिया, जहाँ बॉर्डर के लोग भी हैं, मैं आज उनको पूछना चाहता हूँ आपने क्या सब सिखाया उनको। आज भी रोज की रोज वहाँ फायरिंग हो रही है बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर के लोग तंग और परेशान हैं, ना बच्चे पढ़ सकते हैं ना वो घर में रह सकते हैं। कहाँ वो गया जो कहा हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, कहाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। उसके बाद हमारे नौजवानों को 10 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर एरिया का स्टेटस मिलता था लेकिन उसको भी काट के 6 किलोमीटर कर दिया गया। क्या इन्होंने यही कुछ दिया हम लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने लूट और कसूट मंडकाई हुई है लखनपुर से लेके जम्मू तक, आपको 2 टोल प्लाजे मिलेंगे, 2 टोल प्लाजे उनका आप देखिए कितना रेट उनका बढ़ा लिया। क्या आप जो जम्मू की बात करते थे। सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए।